नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। सुशांत सिंह राजपूत के नहीं रहने पर महेश भट्ट के संपर्क में थी रिया चक्रवर्ती। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नहीं रहने पर उनकी कथित गर्लफ्रेंड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती महेश भट्ट के साथ संपर्क में थी। कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालने के बाद इस बात का खुलासा हुआ है। अभी से 25 जनवरी के बीच में सबसे ज्यादा दोनों के बीच में बातचीत हुई है। गौर करने की बात यह है कि इस मामले में पहले ही मुंबई पुलिस महेश भट्ट का बयान रिकॉर्ड कर चुकी है। इतना ही नहीं, रिया के जांच पड़ताल में भी यह बात सामने आई है कि महेश भट्ट ने रिया को 7 बार कॉल किया था। वो सारी बातें उस वक्त हुई थी जब सुशांत अपनी बहन के साथ उनके घर चंडीगढ़ गए थे। सुशांत के जाने के बाद ही महेश भट्ट की चर्चा भी लगातार हो रही है। पटना पुलिस की टीम उनसे भी बयान लेने वाली थी, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर दोनों के बीच में क्यों बात होती थी। हाल फिलहाल में रिया महेश भट्ट की किसी फिल्म में भी काम नहीं करने वाली थी। एक महीने में रिया और महेश भट्ट के बीच करीब 52 मिनट तक बात हुई है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 15 साल दिलाया याद। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लेते रहते हैं। इसी क्रम में बीते दिनों उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए 15 साल के विकास की याद दिलाई है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पिछले 15 सालों की स्वास्थ्य व्यवस्था ने खुद अपना सच बताना शुरू कर दिया है। नीति आयोग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, यूनिसेफ आदि संस्थानों के मूल्यांकन में बिहार पीछे है। कोविड-19 का सामना करने के लिए बिहार ने उचित प्रबंध नहीं किया है। कामगारों का मसला हो या स्वास्थ्य संरचना का, सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। कोई नया अस्पताल नहीं बनाया गया है, पुराने की क्षमता नहीं बढ़ाई गई है। मार्च से ही कह रहा हूं कि जन स्वास्थ्य को तरजीह दे, राजनीति बाद में करे, लेकिन मेरे सुझावों पर नकारात्मक टिप्पणी की जा रही है और नतीजा यह है कि आज बिहार में कोविड-19 की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई है। पृथ्वी दिवस के मौके पर बिहार सरकार ने मिशन 2.51 करोड़ पौधारोपण को किया पूरा। पृथ्वी दिवस के मौके पर बिहार राज्य सरकार ने 2.51 करोड़ पौधा लगाने का संकल्प लिया है, जो कि आज पूरा होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज ही पृथ्वी दिवस के मौके पर पटना में पौधारोपण किया है। वहीं पटना के आर ब्लॉक के पास आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि राज्य के सभी जनप्रतिनिधि भी पौधारोपण करने पहुंचे थे। नीतीश कैबिनेट के सभी मंत्रियों के साथ सभी विधायक, विधान पार्षद, जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले प्रतिनिधि और जिलों के अधिकारियों ने भी पौधारोपण किया है। इसके लिए सरकार ने पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी थी। जल जीवन हरियाली मुहिम के तहत बिहार में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए इस मिशन को सरकार ने चुना था, जिसके तहत राज्य में 2,51,00,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। दिव्यांग मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लॉन्च किया पीडब्ल्यूडी ऐप। दिव्यांग मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने पीडब्ल्यूडी ऐप लॉन्च कर दिया है। इस ऐप के जरिए वे आसानी से वोटर लिस्ट में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार दिव्यांग मतदाताओं के आसानी से पंजीकरण और आसानी से पहचान के लिए एंड्रॉयड आधारित एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इसमें दिव्यांग मतदाताओं के लिए कई सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। इस ऐप को आसानी से मोबाइल फोन में डाउनलोड करने के बाद खुद को पीडब्ल्यूडी के रूप में चिन्हित करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। इसके अलावा नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए अनुरोध कर सकते हैं। वोटर लिस्ट में आपका नाम एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। वोटर लिस्ट में यह नाम या पता में कोई गड़बड़ी हो तो सुधार के लिए भी अनुरोध किया जा सकता है। आपको बता दें कि दिव्यांग मतदाता इस एंड्रॉइड ऐप के जरिए व्हीलचेयर के लिए भी अनुरोध कर सकते हैं, ताकि मतदान के लिए बूथ के अंदर जाने के लिए व्हीलचेयर का इस्तेमाल किया जा सके। हर घर नल का जल योजना में लापरवाही बरत रहे ठेकेदार, अब नीतीश सरकार लेंगे एक्शन। बिहार के चुनावी साल में लगातार सरकार अपनी तरफ से सभी योजनाओं को पूरा करने में लगी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी हर घर नल का जल योजना को पूरा करने के रास्ते में बाधा उत्पन्न करने वाले ठेकेदारों पर अब सख्ती से पेश आने का फैसला सुनाया है। मिली जानकारी के अनुसार हर घर नल का जल पहुंचाने में विफल रहने वाले 1 दर्जन से ज्यादा ठेकेदारों के खिलाफ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की तरफ से सख्ती दिखाई जाएगी। ऐसे दर्जन भर से अधिक ठेकेदार हैं जिन्होंने हर घर नल के जल की योजना में सही से काम नहीं किया है। उन्होंने काम तो लिया है मगर उसे समय पर पूरा नहीं किया है। इसमें से कुछ ऐसे भी है जिन्होंने काम खत्म करने की तारीख होने पर भी योजना को पूरा नहीं किया है। विभाग इस श्रेणी के ठेकेदारों की सूची बना ली है, जिसके बाद आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सहरसा में एक ठेकेदार का इकरारनामा देखने के बाद ही इस बात का खुलासा किया गया है। हल्की बारिश के साथ ही आज बिहार के कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की जताई गई संभावना। बिहार में लगातार बारिश के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार बिहार के कई जिलों में आज हल्की बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि मानसून की अक्षीय रेखा राज्य के बक्सर और झारखंड के बोकारो से होते हुए उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती है परिसंरचन का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके प्रभाव से पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इन सब परिस्थितियों के कारण अगले 24 घंटे में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी और कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। IIT के विशेषज्ञ प्रदूषण कम करने
के बताएंगे तरीके। वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों ने अब एक नया अध्ययन कराया है, जिसके तहत बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसके लिए IIT दिल्ली के साथ MOU साइन किया है। यह समझौता 1 साल के लिए किया गया है। IIT दिल्ली के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ ने विभिन्न स्थानों से सैंपल एकत्रित कर प्रदूषण तत्वों का पता लगाने का फैसला लिया है, साथ ही इन्हें कम करने के लिए कार्य योजना भी बनाएंगे। MOU के अनुसार सभी के लिए जगह चिन्हित कर दी जाएगी। एक स्थान पर 20 दिन तक लगातार 24 घंटे PM10 और PM2.5 की सर्दी के मौसम में प्रदूषण के स्तर पर असर पड़ता है, इसकी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। बिहार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड राजधानी में एक UI लेवल मापने वाली मशीन का इस्तेमाल करने वाले हैं। अक्टूबर तक हर 3 किलोमीटर के दायरे में एक मशीन लगाई जाएगी। इसके लिए बोर्ड की टीम सर्वे कर रही है। टीम 40 करोड़ की लागत में 30 मशीन लगाने की योजना बनाई गई है। बिहार में बाढ़ से 16 जिलों के 73 लाख आबादी है प्रभावित। बिहार में बाढ़ की चपेट में 24 और पंचायत बुरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं, जिसके बाद अब राज्य के 16 जिलों के 150 प्रखंड के 1223 पंचायतों के 73 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ की चपेट में आ चुकी है, जिससे लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। राज्य सरकार की तरफ से बाढ़ प्रभावितों के लिए बचाव और राहत कार्य लगातार चलाए जा रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की जानकारी साझा की गई है, जिसके तहत आपदा प्रबंधन के अपर सचिव रामचंद्र डू ने कहा है कि NRDF और SDRF की टीम बचाव और राहत कार्य में लगी हुई है। 5,08,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया है। निर्माण स्थल पर भी अब मास्क पहनना हुआ अनिवार्य। IPRD सचिव अनुपम कुमार ने बताया है कि राज्य में निर्माण स्थल पर भी अब मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि COVID-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयोग को लेकर संबोधित अधिकारियों को आदेश दिया गया है। जहां भी इस समय में काम पर लगे हुए हैं, उन्हें हर हाल में मास्क उपलब्ध करवाए जाने का फैसला सुनाया गया है। DTO कार्यालय में बना नया काउंटर। जिला परिवहन विभाग को शनिवार को नया भवन मिल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऑनलाइन उद्घाटन के साथ यह विभाग का दफ्तर नए भवन में चलेगा। 3.78 करोड़ में बने इस नए भवन के पहले तल्ले पर हेल्प डेस्क बनाया गया है। वहीं दूसरे मंजिले पर अलग अलग काम के लिए 10 काउंटर बनाए गए हैं। ऐसे लोगों को काम करने में सहूलियत होगी। पहली जगह कम रहने से लोगों को दिक्कत होती थी। बिचौलियों पर लगाम लगाने के लिए पूरे भवन में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। शनिवार को उद्घाटन के दौरान प्रणब कुमार ने नारियल फोड़कर नए भवन में काम की शुरुआत कराई है। CM ने 14 प्रखंडों के बनने वाले इस बस स्टॉप का शिलान्यास भी किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ग्राम परिवहन योजना के तहत 30 लाभुकों को अनुदान दिया है। साथ ही 5 लोग गोपालपुर के बंटी मंडल और भैरव पासवान, अमरेश कुमार मंडल, अरुण दास, मनोज दास को टोकन से DM ने ऑटो की चाबी भी दी है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे आचार्य शिव पूजन सहाय और सुशील राज्यपाल की। आचार्य शिव पूजन सहाय का जन्म बिहार के भोजपुर जिले में 9 अगस्त 1893 में हुआ था। आचार्य शिव पूजन सहाय पेशे से एक लेखक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई सारे किताबें लिखी थी। बचपन से उन्हें लोग भोलेनाथ के नाम से जानते थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आरा जिले से की थी, जिसके बाद उन्होंने कोलकाता जाकर मारवाड़ी सुधार में काम किया था। उसके बाद उन्होंने लखनऊ में 1924 में भार्गव माधुरी के एडिटोरियल डिपार्टमेंट में काम किया था। आचार्य शिव पूजन द्वारा लिखी गई किताबों में मेरा जीवन, स्मृति, शेष, ग्राम सुधार, देहाती दुनिया समेत कई किताबों के नाम शामिल है। वहीं सुशील राजपाल की बात करें तो उनका जन्म 9 अगस्त 1963 में बिहार में हुआ था। वो पेशे से स्क्रीन राइटर, फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है। उन्हें उनकी फिल्म अंतर द्वंद के लिए नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। NMCH हॉस्पिटल में भर्ती COVID-19 मरीज को लाइव देख सकेंगे परिजन। पटना के NMCH अस्पताल में COVID-19 मरीजों का इलाज अब उनके परिजन भी लाइव देख सकेंगे। मरीजों के बारे में परिजन को समय समय पर जानकारी भी मिल सकेगी, जिसके लिए CCTV डिस्प्ले पर हर जगह पर लगा दिया गया है, जिसके जरिए अब सभी अभिभावक अपने मरीजों की जानकारी ले सकेंगे। NMCH हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में CCTV डिस्प्ले लगाया गया है। इस डिस्प्ले के जरिए परिजन अपने मरीज के पल पल का इलाज देख पाएंगे, जिसकी जानकारी NMCH के अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि मरीज के परिजनों की शिकायत को ध्यान में रखते हुए इसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। संजय मांजरेकर ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर किया कई बातों का खुलासा। पूर्व भारतीय बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट को लेकर कई बातों का खुलासा किया है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि धोनी ने उनसे कहा था कि जब तक वो टीम में सबसे तेज दौड़ने वाले खिलाड़ी को पिछाड़ते रहेंगे, तब तक वो खुद को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए फिट समझेंगे। उन्होंने बताया कि विराट कोहली की शादी के दौरान यह बात हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 बार के विश्व कप विजेता पूर्व कप्तान के साथ 2017 में भारतीय कप्तान विराट कोहली की शादी के दौरान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनके भविष्य को लेकर चर्चा हुई थी। विराट की शादी के दौरान मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि जब तक मैं सबसे तेज दौड़ने वाले खिलाड़ी को पिछाड़ता रहूंगा, तब तक मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए अपने आप को फिट समझूंगा। तेंदुलकर हो और धोनी जैसे लोग चैंपियन क्रिकेटर होते हैं।
भारत में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। भारत में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 64,399 मामले सामने आए हैं। वहीं 861 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद भारत में प्रभावितों की कुल संख्या 21,53,011 पर पहुंच गई है, जिसमें से 6,28,787 एक्टिव मामले हैं। वहीं 14,80,885 लोग ठीक होकर वापस लौट चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया भर में कोविड 19 प्रभावितों के मामले में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब तक 1,94,57,000 के पार संक्रमित पाए गए हैं। साथ ही जान गंवाने वालों का आंकड़ा 7,23,000 से ज्यादा हो गया है। राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के 101 आइटम के आयात पर लगाई रोक। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 101 से ज्यादा सामानों पर आयात एम्बार्गो लगाने का ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय के 101 सामानों की एक लिस्ट तैयार की गई है, जिसके आयात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। लद्दाख में चीन के साथ सीमा विवाद के बीच रक्षा मंत्री का यह ऐलान कई मायनों से अहम माना जा रहा है, जिसके लिए रक्षा मंत्री ने ट्वीट कर बताया है कि रक्षा मंत्रालय अब आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। रक्षा उत्पादन के स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए 101 से ज्यादा आइटम पर आयात को प्रतिबंध लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन 101 आइटम में सिर्फ आसान वस्तुएं शामिल नहीं है, बल्कि कुछ उच्च तकनीकी वाले सिस्टम भी है। हालांकि आयात पर प्रतिबंध को 2020 से 2024 के बीच में धीरे धीरे करके लागू करने की योजना है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में हर घर नल का जल योजना को पूरा करने में सरकार कितनी सफल हो पाएगी? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।